बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन शहीद हुए इस इलेक्शन के सिलसिले में, उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करने के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया हूँ। दो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ से शहीद हुए इलेक्शन के सिलसिले में। एक हमारा इलेक्शन के बाद मलीर में और बाकी पूरा सिंध में मुख्तलिफ अज़ला में, मोरो में, सांगर में, ये लड़कानों में वायलेंस तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस सूबे में जिस तरीके से हुआ इस इलेक्शन में, ये बहुत अफसोसनाक है। इसका हम एक बार फिर मज़ाहमत करते हैं। आज मैं शहीद अब्दुल रहमान के घर यहाँ पहुँचा, जो कि एक 12 साल का बच्चा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था। उसके ख़ानदान को मुसलसल ये धमकियाँ दिया गया, ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अपना वाबस्तगी छोड़े। और जब इन्होंने ये धमकी में नहीं आए तो उन पे फायरिंग हुआ, जिसके नतीजे में हमारा शहीद अब्दुल रहमान शहीद हुआ। और इससे जो बहुत अफसोस की बात है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, इनका बड़ा मायूस कन ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान रवैया था। और जो जिस तरीके से इस बच्चा का शहीद होने के बाद इनके ख़ानदान पे एफआईआर कटा, ये पूरा सिलसिला को, मैं चीफ मिनिस्टर होने वाले, चीफ मिनिस्टर बनने वाले चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा हदायत है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के खिलाफ इस इलेक्शन में या इलेक्शन के सिलसिले में वायलेंस हुआ, ये फायरिंग हुआ, शहादतें हुए, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करेंगे। उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम ये इंसिडेंट्स है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्वस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में करा घर देंगे। और हमारा उम्मीद है कि हम कानूनी तरीके से इंसाफ इनके ख़ानदानों को दिलवाएंगे। वो तमाम वो सियासी जमातें और वो सियासी कुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सूबा में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस शहर कराची में, केएमसी में हुकूमत है। और हम, हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फिरका वराना दहशतगर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आजकल झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। मैं मौजूद हूँ, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंस शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन को कुर्बानियों को भूल सकते हैं।
हम इंश्योर करेंगे कि हम इन तमाम जो भी इन केसेस में जो लोग इन्वॉल्व है उनको ऐसे इबरतनाक हम एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आने वाले जो भी इलेक्शंस हो उसमें किसी सियासी जमात के खिलाफ इस किस्म का तशद्दुद वायलेंस ना हो। ये हमारा हक है। और बस जो मुझसे सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि ये जो हमारा शहीद अब्दुल रहमान है, इसके बारे में मैंने खुद एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का इस सूबे में सरबराज से खुद फ़ोन करके रब्ता किया कि ये मेरे कारकुन के साथ हुआ है। और इसके बजाय कि मुझे तसली दिया जाए कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा, इसके बजाय कि हमें कहा जाए कि हमारे कारकुन को तहफ़ दिया जाएगा, उल्टा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी किया गया। यहाँ तक कहा गया कि इसलिए कोई ये परचम वो MQM का नीचे कर रहे थे तो इसकी एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सियासत नहीं है कि हम किसी का परचम को हटा दें। हमने आज तक 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, ये हमारा सियासत रहा भी नहीं। पर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि ये हमारा शहीद अब्दुल्ला रहमान ये काम कर रहा था, तो क्या इसका जवाब में गोली चलाना जायज़ है, कानून के मुताबिक है? क्या ये जो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ने FIR इनके ख़ानदान के खिलाफ काटे हैं, ये क्यों काटा गया? ये इसलिए कि हम डर जाए? ये इसलिए कि हम पीछे हट जाए? ये इसलिए कि हम अपना शहीद का खून पे सौदा करें? ये ऐसा नहीं हो सकता। मैं तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से सिंध हुकूमत में और बाकी से ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसाफ मांग रही है अपने कारकुनों के जो शहीद हुए इस इलेक्शन में। और हम इस पे इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं ना सिर्फ हमारे आने वाले हुकूमत से मगर हमारा अदालतों से कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।